हेलो फ्रेंड, जीवक टेक्निकल की तरफ से एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको पबजी गेम डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। फ्रेंड जी फ्रेंड, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपको देखना है पबजी पीसी एमुलेटर। मैं अभी रिसर्च कर रहा था तो ये देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ से थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं डाउनलोड फॉर दिस, जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये को यहाँ पर लेकर आ जाएगा, जहाँ से इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ही दे सकते हैं। पहले आप इसको यहाँ से इसको आपको रन करना है, जब ये रन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये लोडिंग वगैरह कर रहा है, मैंने इसको इंस्टॉल करा था। कोई इतना हाई फाई ग्राफिक कार्ड नहीं है फ्रेंड, क्या सेटिंग करी थी, क्या करा था, तो कंप्यूटर में क्या क्या होना आपके कंप्यूटर में होना चाहिए सब मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको के बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो है पबजी गेम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप टेंशन गेमिंग, ये आपको दो, एक रन करेगा और दूसरा फोल्डर ये देख सकते हैं, ये आ जाएगा। ये देखें नीचे आ चुका ये पबजी मोबाइल, और यहाँ से ये गेम आ चुका है। और यहाँ से अब चेक कर सकते हैं, अच्छा ये काफ़ी टाइम लगता है, ये देखें स्टार्ट पबजी मोबाइल। तो टाइम काफ़ी लेता है फ्रेंड, ये इसमें एक मसला है कि लोडिंग बहुत लेता है। यहाँ से भी इसको आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, मैंने तो उसको पहले से करा हुआ है। मैं आपको यहाँ से चीज़ें दिखा देता हूँ, फ़िलहाल तो अभी मैं नहीं कर रहा। यहाँ से इसको ये काफ़ी टाइम लगेगा लोडिंग में, जब ये लोड आएगा तो गेम खुद ब खुद स्टार्ट होएगा। उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से, सिर्फ खेल के नहीं दिखाऊँगा आपको, सिर्फ ये बताया सिंपल कि ये किस तरीके से इसको आप खेल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड सिंपल है, आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड, कोशिश करके कि अच्छा ये देखें फ्रेंड, ये दिखा देता हूँ मेरे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं। 8 GB रैम है, 64 bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये मेरा कंप्यूटर कोई कोरल, यहाँ से देख सकते हैं ड्यू CPU। सिंपल, इतनी सिंपल चीज़ें तो नहीं, और कोई हाई फाई कंप्यूटर नहीं है मेरा, Windows 7। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर पर चीज़ें चेंज करें, 64 bit कर दें। 32 bit कब तक चलाएंगे अपने कंप्यूटर पर, 64 bit करवा लें अपनी, और
रैम थोड़ी सी बढ़ा दें यहाँ से 8 GB वगैरह, तो ये सिंपल गेम चल जाता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है फ्रेंड। मैंने सिंपल यहाँ पर इसको मैंने चेक करा था रैम वैम बढ़ाकर, तो फ्रेंड ये चल जाता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इसमें चीज़ें परचेज कर भी सकते हैं, और नेट की स्पीड वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आपका गेम किस तरीके से, यहाँ से चीज़ें चेक कर सकते हैं। मुझे तो फ्रेंड खेलना नहीं आता, कि लोग बता रहे थे कि इस पर काफ़ी मशहूर गेम है, यहाँ से चीज़ें किस तरह चेंज करते हैं ये फ्रेंड नहीं आता। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करके देख लेते हैं, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी मैं आपको, वो दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, गेम चल चुका है मेरा, इस तरह इसको खेलना नहीं आता फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, तो इस तरीके से गेम चल चुका है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या, कोई इतना मसला नहीं है, काफ़ा कम पीसी काफ़ी हैवी होने चाहिए, 8 GB रैम करवा लें और 64 बिट करवा लें, और एक आप 2 GB का कार्ड लगवा लें, और उसके बाद ये जो है जो मैंने बताई है गूगल से आ गया टेंशन, जो वेबसाइट है बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, ये इनकी वेबसाइट है पबजी वालों की तरफ से, ये वेबसाइट है और ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं ये गेम चलाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, गेम स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरीके से आप जो है गेम अपना चला सकते हैं। तो लोग काफ़ी बोलते हैं कि ग्राफिक कार्ड नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होने चल जाता, थोड़ा सा एक 8 GB रैम 64 बिट और 2 GB वगैरह कार्ड चलाते तो ये सिंपल चल जाता है, तो कोई इतना मसला नहीं है फ्रेंड। तो ये मैंने गेम जो है इंस्टॉल करा, फिर पता करा क्या क्या चीज़ें चलती हैं, तो ये मेरे कंप्यूटर पर जो है चल गया। कोई फिर गेम खेलने का इतना ये गेम खेला तो नहीं है मैंने फ्रेंड। ये देखें इस तरीके से आप जो है अपना गेम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही था।